वेलकम बैक डियर व्यूअर्स। तो लास्ट क्लास में आपको अगर आपको याद हो, हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री उसमें मेन पॉइंट्स क्या आपको पता होना चाहिए ताकि आप जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पोर्शन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पोर्शन का वो आप अच्छे से कर सको। तो उसमें मैंने कुछ मेन पॉइंट्स बताए थे। तो अब हम इस क्लास में क्या करेंगे कि दो तीन एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। जो आपकी एक्सरसाइज है उसकी एक एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन 14 और 14 और 15 क्वेश्चंस हैं। तो उसमें से दो चार मैंने चूज किए हैं। बाकी आप अगर आप दो तीन क्वेश्चन सीखोगे तो बाकी आप अच्छे से फिर खुद कर सकते हो। मैंने वो क्योंकि बाकी तकरीबन सेम है प्रोसीजर, मतलब डायग्राम फिर सेम बनती है तो प्रोसीजर भी फिर सेम ही है, ठीक है। तो वो तीन पॉइंट जो मैंने कहे थे वो आपके जहन में होने चाहिए ताकि आप इनको बिल्कुल अच्छे से समझ सको और फिर कर सको, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो मैंने दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इस एक्सरसाइज का, जो एप्लीकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट उसका जो उसकी जो एक्सरसाइज है उसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है मैंने पहले, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसका दैट इज अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड अ ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो क्वेश्चन आपने पढ़ा दो तीन पहले एक दो बार अगर समझ में नहीं आए तो दो तीन बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो फिर समझो। जब आप क्वेश्चन समझे तो इसको डायग्राम में लाओ, जो मतलब इसकी डायग्राम बना। जब आप डायग्राम आपने डायग्राम बनाई अच्छे से सही टाइप आपकी डायग्राम सही हो गई तो समझो कि आपका हाफ ऑफ द क्वेश्चन हाफ ऑफ द वर्क इज डन, ठीक है ना। समझ मेरी बात, डायग्राम सही बन गई तो आपका क्वेश्चन हो गया। डायग्राम में कुछ गड़बड़ हो गई, डायग्राम सही तब होगी जब आप क्वेश्चन सही से समझोगे, ठीक है ना। तो अ ट्री ब्रेक्स डाउन, तो पहले एक ट्री है, लेट मी से ऐसे लेट मी से दिस इज अ ट्री ए बी, एक ट्री है, ठीक है ना। अब ड्यू टू स्टॉर्म ये ब्रेक हो जाता है, लेट मी से ये यहां पर ब्रेक हो गया यहां पे, तो मैं बाकी पोर्शन को डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा ऐसे, मतलब यहां से ये ब्रेक हो गया सी पॉइंट, पॉइंट सी पर ये ब्रेक हो गया, ठीक है। तो जहां से ये ब्रेक हो गया तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो नीचे आता है तो वो टच करता है ग्राउंड को ऐसे, तो ये जो सी बी पोर्शन है वो नीचे आएगा ऐसे, सी बी पोर्शन लेट मी से ऐसे, तो ये जो पोर्शन है इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ये जो ब्रोकन पोर्शन है, ये जो हिस्सा टूटा है, ये जब जमीन पे आता है तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है विद द हॉरिजॉन्टल विद द ग्राउंड, ठीक है ना। और एक पॉइंट दिया है आपको, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। पर इसका टॉप और इसका फुट जो है ट्री का, इस ट्री का टॉप जहां पर टच करता है और इस ट्री का जो फुट है, ये इसका फुट है, ये इसका टॉप है, ठीक है ना। चलो अब हम लेंगे इसका नाम डी। तो यहां फुट टू टॉप जो डिस्टेंस है इट इज 8 मीटर, ये भी दिया है। एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको ए बी निकालना है, ये ए बी निकालना है, सिंपल है। आपको क्या निकालना है, ए बी। तो अगर जो मैंने डायग्राम बनाई, अगर आप इसको अच्छे से जब आपने ड्राइगर तो आपके दिमाग में जरूरी होगा कि ए बी जो है ये ए सी प्लस सी बी या ए सी प्लस सी डी आएगा, क्योंकि सी बी जो पोर्शन है ट्री का वो नीचे आया है टूट के, वही बन गया है सी डी, और जो सी बी पोर्शन है यही टूट गया है तो यही आया है नीचे, ये तो सी बी इज एक्चुअली सी डी, ठीक है ना। यह नहीं है क्योंकि ये टूट गया तो ये आया है इधर, तो हम लिखेंगे ऐसे लेट यस ए बी इक्वल टू एच बी द हाइट ऑफ द ट्री। समझना है इसको, मैंने ए बी मान ली हाइट, अब मैं ये लिखूंगा और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी जो है इट इज ए सी प्लस सी बी, इसमें कंफ्यूजन मत है,
ए बी इज ए सी प्लस सी डी, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज एक्चुअली इधर ही लिखेंगे ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी, क्योंकि सी बी पोर्शन एंड सी डी यही ब्रेक होके यहां आया है। तो अब आपको क्या करना है, ए सी निकालना है और सी डी निकालना है, इन दो को ऐड करोगे तो यू विल गेट द हाइट ऑफ द ट्री। आप समझे कि नहीं, ए सी और सी डी निकाल के आप उनको ऐड करोगे तो यू विल गेट द हाइट ऑफ द ट्री। अब ये ट्राइंगल है आपका, आपके पास राइट ट्राइंगल डी ए सी, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करके आप ए सी भी निकाल सकते हो, सी डी भी निकाल सकते हो। ए सी सी डी निकाला तो वहां से आ जाएगा आपका, आपकी हाइट, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, इन ट्राइंगल डी ए सी, सॉरी इन ट्राइंगल डी ए सी, डी ए सी, ठीक है ना। पहले मैं ए सी निकालूंगा, तो मैंने पहले ही कहा था वो दो साइड चूज करने हैं आपको, एक तो वो जो फाइंड आउट करना है, एक तो वो जो आपको गिवन है। गिवन कौन है, एडी, एडी इज गिवन, तो हम ये इसका यूज करेंगे। ए सी निकालना है तो हम, मैं लिखूंगा ऐसे, यस ए सी बाई एडी, सीधा लिखा मैंने ए सी, फिर मैं देखूंगा अब ये ए सी क्या है और एडी क्या है। अगर आप इस ट्राइंगल को गौर से देखोगे तो ए सी इज साइड अपोजिट टू द गिवन साइड, गिवन साइड, गिवन एंगल, गिवन एंगल इज 30 डिग्री, इसके अपोजिट में जो साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, अगर आपको याद हो। एंड साइड एडजेसेंट टू द गिवन एंगल दैट इज बेस, तो इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस उस टेबल के हिसाब से क्या आता है, यस इट इज टेन थीटा, इट इज, तो ए सी बाई ए बी इज टेन 30 डिग्री, ठीक है बेटा, इट इज टेन 30 डिग्री। अब ए सी, और हम लिखेंगे इसको ए सी इज ए डी टेन 30 डिग्री। अब हम वैल्यूज देंगे ए डी का भी वैल्यू और टेन 30 का। अगर आपको याद होगा टेन टेन इस आने पर टेन 30 का वैल्यू क्या आता है, 0.12, इट इज 0.12, इट इज 2 बाई क्या है, 1/√2, यस इंटू 1/√2 इंटू 3 2 1 4 3 4 3 4 3, सॉरी पहले 0.1, इट इज 1/2 देन √3/2 देन इट इज 4 3, इट इज √3/2, √3/2 2/8, इट इज बी 2/√3, 2/√3, तो 2/2 तो इट इज 1/√3, इट इज, तो आपको ये वैल्यू याद रखें, इट इज 1/√3, tan 30 इज, अगर आप उस टेबल से भी, इट इज 1/√3, तो AD इज 8 मीटर एंड tan 30 इज √1/√3 मीटर, तो इट इज 8/√3, ये बन गया आपका एसी, ये निकाला हमने एसी। अब क्या करेंगे हम, यस अब हम निकालेंगे सीडी। नाउ हमारा जो नेक्स्ट मतलब जो नेक्स्ट पैरामीटर जो हमें पता नहीं है, दैट इज एक्चुअली सीबी, लेकिन सीबी बन जाता है सीडी। तो अगेन हम यही ट्राइंगल लेंगे, अगेन इसी ट्राइंगल से, अगेन मैं यही ट्राइंगल लेता हूं से, अब इसको रब कर रहा हूं। तो अगेन फ्रॉम द सेम ट्राइंगल, अगर हम लेंगे यही ट्राइंगल, क्या है डी ट्राइंगल डी ए सी, तो अब हमें ये चाहिए सी डी, ए डी को भी हम यूज करते हैं, हम ए सी को भी, ठीक है ना। अगर मैं ये लिखूं इट इज हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज बेस, हाइपोटेन्यूस, तो मैं लिखूंगा ऐसे ए डी बाई सी डी जो हमें चाहिए, एंड डी सी, ए डी इज बेस, दिस इज लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूस, तो ये अभी देखा आपने ये बेस है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस इज, यस बेस बाय हाइपोटेन्यूस इज
cos, it is, so it is cos of 30 degree, ठीक है ना। तो AD किसके, अब AD by CD, it is cos 30, cos 30 is, yes, 4, 3, it is root 3 by 2, अगर आपको याद हो, it is 4, 3, it is root 3 by 2, cos 30, ये आपको एक दो जब इसको प्रैक्टिस करोगे ना, इफ टेन होगी आपको फिर अच्छे से याद रह जाएगा। तो अगर हम, क्योंकि हमें सीडी चाहिए, रेसिप्रोकल लेंगे तो इट इम्प्लाइज सीडी बाय एडी जो है इट इज 2 बाय रूट 3। अब एडी का वैल्यू तो है, अब हमें पता है ऑलरेडी इट इज 8 मीटर, हम लिखेंगे और इट इम्प्लाइज सीडी बाय एडी इज 8 इज इक्वल टू 2 बाय रूट थ्री। टू यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है, ये डिवाइड में है, तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब है सी डी जो है आपका इट विल बी टूट 16 बाई रूट थ्री, सी डी विल बी 16 बाई रूट थ्री। ये मिल गया आपको ए सी बी और सी डी बी, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री क्या आएगा, सीधा, देयरफॉर एच जो है आपको हाइट ऑफ द ट्री that will be AC plus CD, that is AC is 8 by root 3 plus 16 by root 3 meter में है actually, क्योंकि like जो है it is in meters, तो denominator is same, तो denominator में रह जाएगा root 3, 16 plus 8 is 24, है? आप समझ गए, इट इज 24 बाई रूट 3। या आप इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 4 यस, इसको हम और भी 24 को अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो, 24 इज 2 जर 4, 4 2 जर 8, 3 जर 24 बाय रूट 3, अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये दो, क्योंकि ये दो ये टू रूट से बाहर आएगा, अगर हम इसका तो इट विल बी 2 टू 4 टू 8, इट विल बी 8 रूट 3 भी, 8 रूट 3 भी आप इसको लिख सकते हो। कैसे, क्योंकि 24 इज 8, 3 से 24, देखो 24 इज, अब ये पॉइंट समझ गए नहीं, देखो और एक बार मैं बोल रहा हूँ, इट इज 24, अगर ऐसे ही रखोगे आप तो दैट इज एनफ, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 24 इज 8, 3 से 24 बाय है रूट 3, ठीक है। अब ये 3 है, इसको मैं लिखता हूँ 8 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू 3 इज 3, तो देन रूट 3, वन गेट गेट कैंसिल, इट विल बी 8 रूट 3, तो इधर आप लिख सकते हो इट इज 8 रूट 3, तो दिस गिव्स यू द हाइट ऑफ द ट्री, 8 रूट 3 मीटर्स, दिस समझे ना। तो नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7।